हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ आज कि मैंने मेरी चैनल क्यों स्किप की थी, क्यों छोड़ दिया था मैंने। तो आज से 3-4 साल पहले एक मेरे अंदर सिंगर का, कलाकार का उभरता हुआ सितारा बाहर आ रहा था। तो फिर मैंने चालू किया सिंगिंग का, और ये सब सिंगिंग विंगिंग में करता रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा चैनल ग्रो होता जा रहा था, मेरा नाम भी हो रहा था। तो उसके बीच 2-3 प्रोड्यूसर मुझे मिले, यूट्यूब के ही थे। वो कह रहे थे साथ में हम काम करेंगे, आप मुझे आपका गाना दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। मैंने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करते। अच्छा प्रोजेक्ट था। वो कह रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, इतना खर्चा, 1.5-2 लाख का खर्चा होगा। मैंने सोचा अच्छी बात है, हमारा ऑडियो, हमारी आवाज़ इतने खर्चे पे जाएगी तो कुछ अच्छा दिखेगा, मतलब कुछ अच्छा होगा। तो उसके बाद मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करवाया, गाना बनाया मैंने खुद लिख के, कंपोज करके। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि वो प्रोड्यूसर अच्छा नहीं था, मतलब इंसान अच्छा नहीं था। वो सिर्फ बातें करना जानता था, मतलब काम करना नहीं जानता था। तो वो कह रहा था कि ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे करते करते 15 दिन चले गए, फिर करते करते 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना चला गया। और तब तक मैं यूट्यूब पे कुछ डाल नहीं रहा था। मुझे ये लगता था कि अगर करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, अब ये शूटिंग वूटिंग, अच्छा आउटडोर शूटिंग ये वो। तो इसकी वजह से मैंने उतने टाइम 2 महीना 3 महीना स्किप रखा। तो बाद में क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर कह रहा है कि हमारे फैमिली में से कोई बीमार हो गया है, कभी कह रहे हैं कि ये वो, मतलब बहाने बनाने लगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बोला छोड़ो, इसको अब नहीं रखना है, हम हमारे हिसाब से ही करते हैं। फिर वो गाना मैंने अपने हिसाब से जितना भी हो सके उतना अफोर्ड करके मैंने बनवा दिया। फिर वो गाना रिलीज भी कर दिया। उस गाने का मैंने खर्चा भी किया गाने पे, और मैंने एडवर्टाइजिंग भी अच्छी की थी उसकी। रिक्शा के पीछे बैनर लगाया था, यहाँ पे बैनर, वहाँ पे बैनर, सब जगह बैनर बैनर लगवाया। और फिर क्या हुआ, फिर मेरा मन मर गया कि नहीं यार ये सब छोड़ो, इस लाइन में तो सभी ऐसे ही लोग हैं। मतलब ये होता है ना, अंदर से आदमी टूट जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, मज़ा नहीं आया मुझे। तो फिर उसके बाद ना मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया 2-3 साल। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि नहीं यार वो लोग तो ऐसे मिले। फिर मेरा क्या था कि फैमिली प्रॉब्लम में भी थोड़ा अटक चुका था मैं, थोड़े फैमिली के फंक्शन ये वो सब कुछ चीज़, फैमिली के भी कुछ काम काज रहते हैं। और हाँ, मैंने लाइन भी मेरी चेंज कर ली थी, एक बिजनेस पे लग गया था मैं। और हालांकि अभी भी बिजनेस चालू ही है, तो बिजनेस भी कर रहा हूँ और ये पार्ट टाइम अभी यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया है। और ये मैं वादा करता हूँ कि अभी मैं स्किप नहीं करूंगा, भले ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन उतना टाइम लगेगा, लेकिन मेरा गाना आता रहेगा। भले हालांकि मैं क्वालिटी उतनी अच्छी ना दे सकूं जितना मैं पहले दे सकता था, क्योंकि ये सभी चीज़ में ना साहब पैसा लगता है, ऐसे नहीं कि हवा बन गई और हो गया। एफर्ट लगता है, बहुत कुछ लगता है एक एल्बम सॉन्ग बनाने में। इसीलिए अब मैं कवर सॉन्ग ही बनाऊंगा। मेरी लिखी हुई पूरा एक नोट था, मेरे गाने लिखे हुए। फिर दिमाग का मेरा इतना बैंड बज गया था ना कि मैंने वो किताब फाड़ दी, फाड़ के फेंक दी कि छोड़ो यार नहीं करना है। इसीलिए अब मैं कवर सॉन्ग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा तो बेशक मैं करूँगा, उसका कोई वो नहीं है। तो इस वजह से मैंने YouTube छोड़ा था। और YouTube क्या है कि कोई हलवा नहीं है, या ऐसा कोई नहीं है कि आपका महीने में 2 महीने में हो जाएगा। यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और हाँ, काफ़ी लोग मुझे सलाह देते हैं कि तू इस तरह पे मत कर, उस तरह से कर, उस तरह से कर। अरे मेरे भाइयों, मेरे यारों, मैं इस पे ज़्यादा नॉलेज लेता हूँ, ये मेरी तो लाइन है ना। तो मैं क्या उस पे रिसर्च नहीं करता होगा? रिसर्च करता हूँ, हर रात को 3 बजे सोता हूँ मैं, 12 से 3,
मेरा रिसर्च का ही टाइम होता है, यूट्यूब पे गूगल पे ये वो सब सर्च करता रहता हूँ कि कैसे हो सकता है। तो प्लीज अगर आप मुझसे बड़े हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप मेरी लाइन के ना हो तो आप मुझे सलाह ना दीजिए। यह मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लोगों से। तो ठीक है, ऐसा रहा मेरे साथ, ऐसा मतलब धोखाधड़ी हो गया मेरे साथ, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। तो अभी क्या है कि अभी तो फुल एंजॉय है। अभी वैसे मेरा मन भी कर रहा है, ये क्या है, मन की बात होती है, दिल की बात होती है। अगर जब तक आपका दिल ना करे तब तक आपको वो काम नहीं करना चाहिए। जब आपका दिल करे कि हाँ ये काम करो आप, तब आप वो काम शुरू कर सकते हो। तो ये मेरा जर्नी था पूरा, ये मेरी जिंदगी। अभी एक फैसला ले लिया है कि अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा मैं YouTube को देना चाहूँगा। मैं YouTube को दिन के 3-4 घंटे तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि ये मेरा दिलचस्पी का विषय है। क्योंकि यहाँ पे दिल लगता है मेरा, गाने में दिल लगता है, तो उसमें 3-4 घंटे में क्या बिगड़ जाएगा दिन। और अभी तक नहीं दिया था तो क्या मैंने बंगले बांध लिए, है ना, सही बात है। तो यही बात है, इसीलिए मैंने स्किप किया था YouTube। मैंने आपको बताया कि दिल टूट गया था मेरा, और फिर अब वापस से जुड़ चुका है, तो अपने कदम बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, ठीक है। अगर हाँ, मैं ये भी बता दूं कि आपको संगीत म्यूजिक फील्ड में इंटरेस्टेड हो आप, तो ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। मैं दिल से, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप मेरे को, मेरा दिल रखने के लिए आप कर भी दोगे चलो, लेकिन आप फिर वीडियोस देखोगे नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। सही बात है, मैं वैसे गुजरात से हूँ, गुजराती हूँ, मैं गुजराती छोकरो छूँ, तो हूँ क्यारेक गुजराती गीत पण लाऊ छू मारी चैनल मा। तो हिंदी भाई लोग बहन लोग जो मेरे हैं वो ये मत सोचेगा कि ये क्या यार, ये तो गुजराती गाने ही डालेगा। नहीं, मैं गुजराती गाने भी डालूंगा, हिंदी गाने भी डालूंगा, सब गाने मेरे फ्लेवर में, मतलब जो भी उसका अलग हो सके उतना मैं अलग करूंगा, क्योंकि मैं मेरे तरीके से गाता हूँ। ऐसा नहीं कि उदित नारायण ने ये गाना इस तरह से गाया है तो मैं भी इस तरह से ही गाऊंगा, क्योंकि नहीं, क्योंकि हर एक सिंगर की कोई अलग अलग प्रेस्टेज होती है, उसके आवाज़ की, उसके गाने का स्टाइल अलग होता है। उसकी तरह भी मैं गा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गा सकता, गा सकता हूँ, लेकिन नहीं गाना है मुझे, मेरा सिग्नेचर कहीं ना कहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये बात है, किसी के धोखाधड़ी की वजह से मेरा ये चैनल छूट गया था, मैंने काम करना बंद कर दिया था, तो अब फिर से स्टार्ट करूँगा मैं। आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगा, और आप मेरे गाने को देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, आगे भेजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे, मेरा गाना आपको पसंद आए, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे फोर्स नहीं करूँगा कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अरे तुम भी आ जाओ, ऐसा नहीं। आपको अच्छा लगे मेरा गाना, मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगे, तो आपको मोस्ट वेलकम मेरी चैनल पे। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू सो मच मेरे आवाज़ को सुनने के लिए, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ रहे, अच्छे रहें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।